हाय व्यूअर्स मेरी एक छोटी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत इंसिस्ट करके कहा कि आप पहेलियाँ अपलोड करें तो उसके लिए और आप सबके लिए मैं दिलचस्प पहेलियों का सिलसिला शुरू कर रही हूँ तो चलिए आते हैं अपनी पहली पहली की तरफ़ अली को बीस हज़ार रुपये की सख्त ज़रूरत है वो अपने दोस्त अहमद के पास जाता है अहमद उसे कहता है मैं तुम्हें बीस हज़ार रुपये तो दे दूँगा लेकिन उससे पहले जिस आदमी की तस्वीर मेरे पास है तुम्हें बताना होगा कि यह कौन है अहमद उसे कहता है ना मेरा कोई भाई है और ना बहन लेकिन इस आदमी का बाप मेरे बाप का बेटा है क्या आप बता सकते हैं अहमद का उस तस्वीर वाले से क्या रिश्ता है आप चाहें तो पहली रिपीट करके भी सुन सकते हैं आपको हर पहली का जवाब बुझने के लिए सात सेकंड दिए जाएंगे चले देखते हैं में से कितने लोग इसका जवाब बूझ पाते हैं वो तस्वीर अहमद के बेटे की है क्योंकि उसने कहा था कि इसका बाप मेरे बाप का बेटा है यानी मैं खुद तो जिसकी तस्वीर है वो अहमद का बेटा हुआ चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली पहली की तरफ अहमद उसे कहता है मैं तुम्हें एक और तस्वीर दिखाता हूँ अब तुम्हें बुझना होगा कि कौन है। अगर तुम इसका जवाब बता दो तो मैं तुम्हें बीस हजार रूपए दे दूंगा अहमद कहता है जैसा कि तुम जानते हो ना मेरा कोई भाई है और ना बहन लेकिन जिस शख्स की यह तस्वीर है उसका बेटा मेरे बाप का बेटा है क्या आप बता सकते हैं अहमद के पास किसकी तस्वीर थी इस पहली का सही जवाब है अहमद के पास अपने बाप की तस्वीर थी क्योंकि उसने कहा था इस आदमी का बेटा यानी मैं खुद मेरे बाप का बेटा है यह पहली सुनकर अली ने फौरन कहा ये तुम्हारे बाप की तस्वीर है तो अहमद अली को बीस हजार रुपए दे देता है चले बढ़ते हैं हम अपनी अगली पहेली की तरफ दो आदमी हैं हसन और हुसैन। हसन हुसैन से लंबा है और हुसैन हसन से लंबा है क्या आप बता सकते हैं कि कैसे जी हां गलती से क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हसन हुसैन से लंबा है तो हुसैन भी हसन से लंबा हो चलिए अब आते हैं अगली पहली की तरफ एक दराज में कुछ जुराबे हैं यानी सॉक्स बारह जुराबे नीली हैं और बारह जुराबे लाल क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कितनी जुराबे उठाई जाए कि कम अज कम एक जोड़ा एक जैसी जुराबों का मिल जाए सोच के अपना आंसर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप में से कौन कौन इसका जवाब दे पाता है हो सकता है आप में से बहुत से व्यूअर सोच रहे हो तेरा या छः लेकिन इसका सही जवाब है तीन उस दराज में दो रंग की जुराबे थीं और तीन जुराबे उठाए जाएं तो यकीनन उनमें से दो जुराबे एक ही कलर की होंगी मिराज दीन एक थाने में सिपाही है लेकिन वो बहुत ही रिश्वतखोर और चालाक सिपाही है वो अक्सर मुजरमों के साथ मिलके उनसे रिश्वत वसूल करता है एक बार एस ने एक अहम मुजरिम पकड़ना था मुजरिम एक गांव में रहता था एस ने इंस्पेक्टर अहमद के जिम्मे लगाया कि वो मुजरिम पकड़ के लाए जब इंस्पेक्टर अहमद अपने थाने की नफरी लेके मुजरिम के गांव के, के करीब पहुँचे तो उन्होंने मिराज द्दीन से कहा कि वो ऐलान करे मिराज द्न ने ऐलान किया कि पुलिस तुम्हारे मशरक की तरफ भी आ चुकी है और मगरिब की तरफ भी और जनूब की तरफ भी और शुमाल की तरफ हम पहुंचने ही वाले हैं अब तुम बच के नहीं जा सकते ये ऐलान सुनकर मुजरिम गांव से भाग गया जब एसएसपी को मिराज दीन के इस ऐलान की खबर पहुंची तो उसने फौरन ही मिराज दीन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया क्या आप बता सकते हैं एसएसपी साहब को कैसे पता चला कि मिराज दीन ने ही मुजरिम को भगाया है क्योंकि वहां तो और भी सिपाही थे क्योंकि जब मिराज दीन ने ऐलान किया कि शुमाल की तरफ हम आने ही वाले हैं तो उससे चोर को फौरन पता चल गया कि शुमाल की जानिब अभी पुलिस नहीं आई जब तक पुलिस आती है उससे पहले मैं भाग जाऊं। लिहाजा मेरा दिन को सस्पेंड कर दिया गया चलिए हम अपनी अगली पहली की तरफ बढ़ते हैं शालीमार अब कराची से लाहौर के लिए 9 बजे रवाना होती है ठीक एक घंटे के बाद यानी 10 बजे शालीमार डाउन लाहौर से कराची के लिए रवाना होती है क्या आप बता सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कौन सी ट्रेन लाहौर के ज्यादा करीब होगी आप चाहें तो पहली रिपीट करके भी सुन सकते हैं अपना जवाब नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा जी हाँ इसका सही जवाब है कि दोनों ट्रेन लाहौर से एक जितने फासले पे होंगी क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी चलिए अब अगली पहली पूछते हैं एक मकान की छत एक साइड से 60 डिग्री है और दूसरी साइड से 70 डिग्री अगर छत की टॉप पे मुर्गा अंडे दे तो अंडा किस साइड पे गिरेगा क्या आप बता सकते हैं जी आपका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि मुर्गा अंडे नहीं देता मुर्गी अंडे देती है मुर्गा तो सिर्फ बांग देता है चलिए बढ़ते हैं अगली पहली की तरफ एक इलाके में सौ मकान हैं। अली को काम मिला है कि उनमें से हर एक मकान पर सटील के नंबर लगाए लेकिन एम्प्लॉयर की शर्त है कि हर नंबर अलग अलग होना चाहिए अब अली ने नंबर बनने के लिए देने हैं कागज कलम का उठाए बगैर क्या आप बता सकते हैं कि वो कितनी तादाद में नाइन डिजिट बनने के लिए देगा इस पहली का सही जवाब है बीस यकीन नहीं आता तो खुद काउंट करके देख लें चलिए अब बढ़ते हैं अगली पहली की तरफ अली अपने घर से दादी के घर तक गाड़ी ड्राइव करके जाता है वो एक ही स्पीड में बगैर रुके ड्राइव करता है उसे दादी के घर पहुंचने में साढ़े चार घंटे लगते हैं जब अली वापस आता है तो वो उसी स्पीड पर बगैर रुके आता है मगर वापसी पर उसे पूरे 270 मिनट लगते हैं क्या आप बता सकते हैं कि वापसी पर उसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा इस पहली का सही जवाब है कि वापसी पर भी अली को साढ़े चार घंटे ही लगे क्योंकि 270 मिनट साढ़े चार घंटे ही बनते हैं चलिए अब बढ़ते हैं अगली पहली की तरफ चीन का एक जहाज 400 मुसाफिर लेके चीन से रूस की तरफ प्रवास करता है चीन और रूस की बॉर्डर पर जहाज क्रैश हो जाता है क्या आप ये बता सकते हैं कि बच जाने वालों को कौन से मुल्क में दफन किया जाएगा चीन में या रूस में पहली रिपीट करके सुने इसमें पूछा गया था कि बच जाने वालों को कहाँ दफन किया जाएगा तो पहली का सही जवाब है कि बचने वालों को कौन दफन करता है लिहाजा ना वो चीन में दफन होंगे और ना ही रूस में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी इसी तरह की दिलचस्प पहलियां आइंदा भी आपके पास पहुंचती रहे बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम खुश रहिए खुश रखिए पाकिस्तान जिंदाबाद